देखिए स्टूडेंट, आज आप क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो 4s² - 4s + 1 है। इसमें आपको क्या करने बोला है, पहले तो आपको इसका जीरोज निकालना है और फिर इसको आपको वेरीफाई करना है। तो पिछले वीडियो तो आपने देखा ही होगा, हम लोग इसको दो पार्ट में बांट दिए थे, पहले जीरोज निकाले थे और उसके बाद इसको हम लोग वेरीफाई किए थे। उसी तरह इसको भी हम लोग पहले जो है तो जीरोज निकालेंगे, और जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जीरोज निकालने के लिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। जरा देखिए, 4 को सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या हो गया, 4। अब दो नंबर हम लोग लेंगे ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, और वही दो नंबर को या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, हमारा 4s आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 लाने के लिए, 4 लाने के लिए हम लोग 2 × 2 ले लिए, और 2 × 2 = 4 भी हो गया, और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो ये बीच वाला 4 भी आ गया। तो देखिए हम लिखेंगे 4s² माइनस, ये वाला हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद ये जो है सो 2s लिखेंगे। अब 2 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको मैं पहले भी बताया था कि यदि आपको प्लस करना हो तो प्लस करने के कंडीशन में आप क्या करते हो, 2 प्लस लेते हो या फिर को हो 2 माइनस लेते हो। तो 2s के आगे माइनस, ये चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस लिखना कंपलसरी है, और उसके बाद जो है आपने 2s लिखा। अब चूंकि आपको ये 2 को जोड़ना है तो ये 2 को आप माइनस में लिखे हो तो इसको भी आपको माइनस में ही लिखना होगा। ठीक है, ये आपने लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे, तो आप कॉमन ले लेते हो तो आप 2 को कॉमन लोगे, s को कॉमन लोगे, तो 4 में आपने 2 ले लिया तो आपके पास बचा 2, s² में s को लिया तो s माइनस 2s को आपने ले लिया है कॉमन तो बच गया 1, यहाँ आप माइनस लोगे और उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लोगे। ठीक है, तो बच क्या गया 2s। आप जानते हो यहाँ माइनस जो हम लोग लेते हैं उससे यहाँ का साइन जो है वो बदल जाता है, प्लस है तो हो गया माइनस और उसके बाद ये 1। अब ये जो 2 बार है इसको हम लोग एक बार फिर से कॉमन ले लेंगे, 2s - 1, और ये जो है वो 2s - 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको तो जीरो निकालना है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड जीरोज। ठीक है, 2s - 1 ये जो है वो जीरो के इक्वल में हो जाएगा, और ये भी 2s - 1 जो है वो जीरो के इक्वल में हो जाएगा। तो ये 2s - 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, और ये जो s है ना 2 इधर जाकर के क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। फिर ये 2s - 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, और s = 1/2 ये हो गया। तो आपको जीरोज के रूप में आपको क्या मिला, जीरोज के रूप में आपको 1/2 और 1/2 मिला। ठीक है, तो जीरोज आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, जीरोज जब मिल गया है तो आप वेरिफिकेशन की ओर जाओगे, और वेरिफिकेशन में जाने के लिए आप जानते हो वेरिफिकेशन में आप जब जाओगे है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो जीरोज आपको मिला है ये जीरोज को वेरिफिकेशन में हम लोग एक बार सम करते हैं और एक बार प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज में हम लिखेंगे 1/2 + 1/2। तो 2 और 2 को एलसीएम लिया, 2 ये हो गया 1 + 1, तो 2/2 जो कि आपका क्या आया, 1 आया। तो सम ऑफ जीरोज आपका 1 आया, लेकिन फॉर्मूला में सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है। तो आप लिखो माइनस का माइनस लिखो, और b का मतलब क्या हुआ, -4 हुआ। ठीक है, और a का मतलब क्या हुआ, 4 हुआ। तो आप देखो -(-) आपका प्लस हुआ, और 4/4। ठीक है, कट के क्या आया, 1 आया, यानी ये जो सम ऑफ जीरोज आपका आया है 1, और फॉर्मूला में जो -b/a है उसका भी वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं -b/a। ठीक है,
तो ये सम ऑफ जीरोज हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम लोग चलेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जब चलेंगे तो जीरोज तो हमारा 1 by 2 और 1 by 2 है, ये दोनों को हमने प्रोडक्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट कर दिया तो हमारा क्या आया भाई, हमारा आया 1 × 1 = 4, ठीक है, ये आया हमारा। अब जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो हमारा आ गया है, लेकिन फॉर्मूला में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाय ए, इसका मतलब सी क्या है 1 और ए क्या है 4, तो हमारा जो आया है जीरोज का प्रोडक्ट 1/4 और फॉर्मूला में सी बाय ए ये भी है 1/4, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं सी बाय ए, ठीक है। तो ये आप लोग जो है वो समझ गया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे, है ना, आप लोग समझ गया होगा इसको, ठीक है। देखो ये आप थर्ड नंबर में जाओगे तो ये देखो 6x square और -3 - 7x है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रॉपर रूप में लिखेंगे, x स्क्वायर के बाद हमारा जो है वो 7x होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 6x² - 7x - 3, कांस्टेंट नंबर को हम लोग उधर लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 6 × 3 = क्या हुआ 18, अब दो नंबर हम लोगों को लेना है ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और प्लस माइनस करने पर 7 आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 9 × 2 = 18, ठीक है, और 9 को 2 से हमने माइनस कर दिया तो आ गया 7 भी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 6x² - 9x, ठीक है। अब 9x में 2 को, 9 में 2 को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस के लिए आप जानते हो एक प्लस तो दूसरा माइनस, ठीक है, तो आप 9 को क्या लिया है माइनस में, तो 2 को लेना होगा प्लस में, प्लस 2x - 3, ठीक है। अब यहां पे आप कॉमन ले लो, तो आपने कॉमन लिया 3x को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो बच क्या गया 2x, ये बच गया, ठीक है, माइनस आपने जो है x ले लिया और 3 में 9 में आपने 3 ले लिया तो बच गया 3, यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप जो है वो लिखोगे 2x - 3, ठीक है, ये दो बार आपको दिखने के लिए मिल रहा है, आप एक बार कॉमन ले लीजिए फिर से इसको, ठीक है, और ये जो है तो आपका हो गया 3x + 1, ठीक है। अब हमें जीरोज निकालना है, तो सिंस वी हैव टू फाइंड जीरोज, है ना, तो ये हमारा 2x - 3 = 0 हो गया और 3x + 1 = 0 हो गया, तो 2x - 3 उधर जाके प्लस 3 और x = 3/2, ठीक है, फिर यहां 3x + 1 उधर जाके -1 और x = -1/3, तो यहां पे आप देखो कि आपका जो है वो जीरोज निकल गया, जीरोज आपका एक तो 3/2 है और दूसरा जो है -1/3 है, तो यहां पे जीरो तो आपका निकल गया है। अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन देखिए, आप वेरिफिकेशन इसका वेरिफिकेशन में आप क्या करते हो, जो आपका जीरोज आया है उसका आप सम करते हो, तो सम ऑफ जीरोज जो कि है 3/2 + -1/3, ठीक है। अब 3/2 + -1/3, अब आप एलसीएम ले लोगे 6 को 2 से डिवाइड किया 3 × 3 = 9 माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 × 2 = 2, तो 9 में 2 गया तो 7/6 आया आपका सम, सम ऑफ जीरोज आपका आया है 7/6, लेकिन फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज का क्या है,
माइनस बी बाय ए है, तो माइनस बी बाय ए देखिए ये माइनस को आप माइनस लिखेंगे, बी में आप क्या लिखेंगे, ये आपको नहीं लिखना है, ये तो आपको सिस्टम से लिखना है। तो यहां पे ये सिस्टम क्या था, सिस्टम था ये था सिस्टम आपका, है ना। तो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये पहले आप लिखोगे माइनस का माइनस लिखा, फिर लिखना है बी यानी माइनस सेवन, माइनस सेवन और ए, ए क्या है सिक्स। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस सेवन बाय सिक्स। तो आपका जब आपका जो जीरो आया था उसको सम किया तो सेवन बाय सिक्स, लेकिन फॉर्मूला में जो माइनस बी बाय ए है उसका भी वैल्यू तो सेवन बाय सिक्स है। इसका मतलब ये सेवन बाय सिक्स को हम माइनस बी बाय ए के बराबर लिख सकते हैं। अब आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बारी। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहां पे आपका क्या है थ्री बाय टू इंटू क्या है माइनस वन बाय थ्री, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसे प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस आपका जो है वो माइनस आएगा, थ्री वन जा थ्री, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। ये आपका आया है माइनस थ्री बाय सिक्स, ठीक है। अब फॉर्मूला में क्या होता है सी बाय ए, तो सी बाय ए आप देख रहे हो सी में क्या है माइनस थ्री, ए में क्या है सिक्स, तो माइनस थ्री बाय सिक्स। तो यहां पे आपका आया है माइनस थ्री बाय सिक्स, ठीक है। और फॉर्मूला सी बाय ए भी होता है माइनस थ्री बाय सिक्स, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं सी बाय ए, ठीक है। और इस तरह से हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है आगे क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में आप देखिए, इसका हम लोग थर्ड बनाएंगे, फोर्थ बनाएंगे, ठीक है। थर्ड हम लोग अभी बनाए, फोर्थ में जाएंगे। तो फोर्थ में देखिए फोर यू स्क्वायर है ना प्लस एट यू, यहां तो आप देख रहे हो यू स्क्वायर यू है, कांस्टेंट नंबर नहीं है, यानी सी यहां पे नहीं है, सी यहां पे नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है तो फैक्टराइज तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो फोर यू को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां फोर यू कॉमन ले लिया तो बच गया यू प्लस टू, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को जीरो, हम लोग को जीरो निकालना है, तो लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड जीरोज, सो फोर यू इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर, और यू प्लस टू भी जो है वो जीरो के बराबर हो गया। तो यू इज इक्वल टू जीरो बाय फोर, जो कि क्या देगा जीरो, और यू प्लस टू उधर जाके माइनस टू, ठीक है। तो हमने जीरो निकाल लिया, एक यू जीरो हुआ और ये माइनस टू हुआ। अब हम लोग वेरिफिकेशन में जाएंगे, तो देखिए वेरिफिकेशन में फिर हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज, हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज। तो देखिए सम ऑफ जीरोज में देखिए ये जो आया है जीरो प्लस माइनस टू, तो हमारा आ जाए जीरो माइनस टू यानी माइनस टू, ये हमारा आया। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो आप यहां देखो ये आपका ए है, ये बी है कि नहीं, ये ए है ये बी है, सी तो यहां है ही नहीं है, तो छोड़ो ना उसे, उसे क्या मतलब है, देखो माइनस का माइनस बी, बी मतलब एट और ए, ए का मतलब जो है वो क्या है फोर, तो कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू। तो हमारा तो सम ऑफ जीरो माइनस टू है, और फॉर्मूला में जब माइनस बी बाई ए लिया तो भी हमारा क्या आया माइनस टू आया, इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं माइनस बी बाई ए के बराबर है माइनस टू, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि ये है जीरो इंटू माइनस टू, तो जीरो इंटू माइनस टू क्या देगा भाई, जीरो इंटू माइनस टू हमारा जो है वो जीरो देगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा आया है जीरो।
ठीक है, जबकि फॉर्मूला में कहता है C by A, तो C तो यहाँ है नहीं, तो 0 by A यानी 4, तो 0 by 4 यानी 0, तो देखो हमारा आया है 0 और फॉर्मूला जब यूज किया तो भी है 0, तो हम इसको 0 जो है उसको C by A कह सकते हैं और इस तरह से हमारा वेरिफिकेशन भी इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग चलेंगे तो आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। टिल देन आप कोशिश में रहो कि आगे क्वेश्चन आप अपने से बनाओगे। ठीक है, ओके।